उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाले संयुक्त मोर्चा के महापंचायत के लिए भारतीय किसान यूनियन ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जगह जगह जनसभा कर भारी संख्या में महापंचायत को समर्थन देने की बात कह रही हैं। आज जनपद शामली में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार ने एक बैठक का आयोजन किया और संयुक्त मोर्चा के महापंचायत को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की। आपको बता दें, पिछले करीब 9 महीने से तीनों कृषि कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है और संयुक्त मोर्चा प्रदेश और देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर कृषि कानूनों के फायदे और नुकसान के बारे में किसानों को बता रहे हैं और पंचायत भी कर रहे। करीब 2 माह पहले संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसको सफल बनाने के लिए भाकियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जनपद के विभिन्न स्थानों पर पंचायतें एवं सभाएं कर महापंचायत को सफल बनाने के लिए जन समर्थन जुटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज जनपद शामली में नगर पालिका के मीटिंग हॉल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत के लिए रूपरेखा बनाई गई है कि किस प्रकार जनपद शामली में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे और वहां पर आए दूर दराज और अन्य प्रदेश के लोगों को खाने की व्यवस्था की प्रकार की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। जी, मीटिंग का आयोजन किया गया भाकियों द्वारा, क्या पूरा मामला है? भाई, भाकियों की आज पंचायत है शामली में, क्योंकि 5 तारीख में मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चे ने एक महापंचायत का की घोषणा की। उसकी तैयारी के लिए, उसकी समीक्षा के लिए कि शामली से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता कैसे कैसे वहाँ लोगों को लेकर जाएंगे और खाने की व्यवस्था वगैरह कैसे करी जाएगी, उसकी समीक्षा को लेकर पंचायत बुलाई। अच्छा, जब दिल्ली में धरना चल रहा है तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत कहाँ तक पहुँचे? आपने बीच में भी देखा होगा कि देश के कोने में जगह जगह जाके हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत जी और सारे लोग देश के विभिन्न कोणों में पंचायत कर रहे। संयुक्त मोर्चा ने ये 2 महीने पहले तय करी थी और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत होगी मुजफ्फरनगर में, जो बहुत ऐतिहासिक। कहाँ से? हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और यूपी से तो बहुत आयात में लोग आएंगे। प्रतिनिधि देश भर के आएंगे, सारे देश से प्रतिनिधि आएंगे, इनसे बहुत आयात में किसान आएंगे। अच्छा, सिसोली प्रकरण को लेके जो गठवाला खाप है उसमें 2 फाड़ दिखाई दे रही है, उसमें क्या? वो आप देख रहे होंगे, कहीं फाड़ नहीं, ठीक है। साहब की कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, बीजेपी के कुछ लोग हैं जो कहीं इकट्ठे होकर कर लेते होंगे। सारा गठवाला तो बहुत मजबूती से किसान जो वहाँ का है, बहुत मजबूती से पंचायत में जाकर कहीं 2 फाड़ की बात नहीं।